रास कला मंच सन 2005 में इस हरियाणा के अग्रणीय रंग समूह की शुरुआत हुई। 2010 में रास कला मंच ने शुरुआत की राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव चलो थिएटर की। आगे बढ़ते हुए रास कला मंच ने राष्ट्रीय रंग समारोह की भी शुरुआत की। रास कला मंच आज समूचे हरियाणा प्रांत में रंगमंच में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष रास कला मंच रोहतक में चलो थिएटर त्योहार महोत्सव को लेकर आ पहुंचा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जहां पर राधा कृष्ण सभागार में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जींद के पास एक छोटा सा कस्बा है सफीदों। अगर सुविधाओं की बात करें तो हो सकता है वहाँ एक सामान्य जीवन के लिए भी सुविधा ना हो। ऐसे शहर में रासकला मंच नाम की एक संस्था खड़ी करके कीर्तिमान एक मानक मापदंड स्थापित करना और उसके बाद भारत भर के कलाकारों को वहाँ रेपेट्री में रखना, ये काम रासकला मंच ने किया। और रवि मोहन ने सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो भी ग्रांट्स इनको मिले या जो भी फंड्स मिले, मैं जीवन में पहली बार किसी भी संस्था किसी भी एनजीओ द्वारा उन फंड्स का ऑनेस्टली एक यूज देख रहा हूँ। इसके लिए रास कला मंच की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब आते हैं इस सातवें थिएटर फेस्टिवल पे। जोश में आके कोई काम शुरू करना एक अलग बात होती है, लेकिन ईमानदारी के साथ और लगन के साथ उसको निभाना बहुत ही अलग बात है। रवि मोहन की संस्था रास कला मंच पिछले 7 साल से जो काम कर रही है, 7 साल से हर बार एक नए ग्राफ को एक्सटेंड करके जो काम किया जा रहा है, इसके लिए रास कला मंच बहुत ही बधाई का पात्र है। रवि मोहन की इसमें व्यक्तिगत मेहनत है, साथ के साथ जितने बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं शायद उनको अंदाज़ा नहीं कि वो जब 20 लोग वॉलंटरली एक ड्रेस में इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो उनकी ताकत लोगों के बीच क्या जाती है। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जहाँ रास कला मंच ने रवि मोहन जी के नेतृत्व में अपना प्रस्तुति और अपना आयोजन और अपना मंचन ना दिया हो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनके बहुत सारे नाटक राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी ना केवल सराहे गए हैं बल्कि उनको प्रथम पुरस्कार से भी
पुरस्कृत किया गया है और उन्हें विशेष तौर पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी कई बार पुरस्कार मिला है। आगे मैं यही कहना चाहता हूं अपनी शुभकामनाओं के साथ कि पूरे समाज का, हरियाणा के रंगकर्मियों का, हरियाणा के इस विधा से जुड़े हुए दर्शकों का और हम सब का भी एक जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस संस्थान को, रवि मोहन जी को और उनके साथ जो जुड़े हुए रंगकर्मी दिन रात अनथक रूप से प्रयास करके इस तरह के आयोजन विभिन्न शहरों में करते हैं, पहले हिसार में हुआ और भी कई स्थानों पर हरियाणा में हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आगामी भविष्य में भी ये पूरे हरियाणा के एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आने वाले सालों में इस तरह के रंगकर्म का आयोजन जरूर होगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम तन मन धन से अपने पूरे तरह सहयोग देकर इस मंच को ऊपर ले जाएं। हरियाणा का अग्रणी रंग समूह रास कला मंच, जिसकी स्थापना सन 2005 में रास बिहारी जी ने की, जिसे रंगमंचीय ऊंचाइयों को लेकर गए अध्यक्ष रवि मोहन रास, इसके कर्ता धर्ता रहे सचिव मनीष जोशी बिस्मिल जी और इनके साथ तमाम ऐसे कलाकारों ने भी साथ दिया जो उस वक्त उस दौर में रंगमंच कर रहे थे। आज समूचे हरियाणा में रास कला मंच रंगमंच को नित नए आयाम दे रहा है। रास कला मंच की एक कोशिश है कि रोहतक में भी एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि रंगमंच को अधिक से अधिक दर्शक मिले। जी हाँ, रास कला मंच का जो सफर है बहुत ही खास है। मैं चाहूंगा कि चित्रों के माध्यम से हम उस सफर को देखें।
उद्घाटन होगा। सभी अतिथिगण कृपया इसका उद्घाटन करते हुए जोरदार तालियां आपकी। अभी अभी मंच पर आए रास बिहारी जी जो कि फाउंडर हैं रास कला मंच के, इनके लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। सर के लिए जोरदार तालियां। श्री जगदीश सिंह विख्यात रंगकर्मी पुरस्कार। हम थिएटर वाले बिना रिहर्सल के कुछ भी नहीं करते, पूर्वाभ्यास जरूर करते हैं, क्योंकि चीज़ परफेक्ट हो, सही हो, तभी अच्छा लगता है। मैं तो शो देखने आया था, लेकिन मैंने सम्मान और अवार्ड लेने की रिहर्सल भी कर ली है, तो आगे मुझे अवार्ड भी ज़रूर मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। रास कला मंच को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मंच पर आने के लिए उन्होंने मौका दिया है, और धन्यवाद करता हूँ उन साहब का जो जम्मू से यहाँ आ नहीं सके और मंच पर मुझे आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की धरती, रंगमंच में हम बहुत नौजवान हैं, बहुत शुरुआत की है हमने, और इस तरह की जो भूमि पैदा हो रही है, बिल्कुल रंग की भूमि पैदा हो रही है यहाँ पर हरियाणा में, मैं उसे सलाम करूँ। और इसमें आप लोगों की हमें हर तरीके से ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा सुकमा यूनिवर्सिटी को जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, अभिनय सिखाता हूँ, और आप सबको एक बार फिर से सलाम। और आप सभी प्यारे दर्शक, ये अच्छा लगा कि आपका प्यार है रंगमंच के प्रति, और ये बहुत भला है कि ऐसे आयोजन हो रहे हैं, और मैं लगातार इसकी धमक सुनता रहा हूँ, ये दिल्ली तक सुनाई देती है इस रास कला मंच की धमक। और हरियाणा की अपनी परंपरा भी है कि बहुत जोरदार ढंग से किसी चीज़ का निर्वाह करते हैं,
बहुत पूरी ताकत लगा कर इनकी कलाओं में भी वो ताकत दिखती है, इनके वादन में, गायन में, और ये बहुत दूर तक बात जाती है। तो ऐसे समारोह के में मुझे सम्मानित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा एक बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि सम्मान तो मैं रखता हूँ।